दिल्ली से आप सबका हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज की हमारी इस ऑनलाइन सर्विस में। मैं आशा करता हूं आप सब घर पर सेफ और सुरक्षित है। इस समय में जो हम देखते हैं काफी निराशा का समय हमारे आसपास चल रहा है, एक पैंडेमिक से होकर जब हम जा रहे हैं, लेकिन इस चीज में कलीसिया मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारे पास आशा है जो हमारे साथ हमेशा है और वो आज भी हमारे साथ है। इसलिए कलीसिया हम अपनी सारी निराशाओं को आज भूल जाएं, उन दर्द को आज हम भूल जाएं। हम में से कई ने शायद से अपने किसी खास को खोया होगा इस समय में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक आशा जो आज भी हमारे पास है और आशा का नाम है यीशु मसीह। तो मैं चाहता हूँ हम सब अपने उन चीजों को भूल जाए, कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और आइए मिलकर कुछ गीतों को जब हम गा रहे हैं, आप सब अपने घर पर जब है हमारे साथ मिलकर ताली बजा कर इन गीतों को गा सकते हैं। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है तुम, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे गाएं कलीसिया। जाए निराशाओं को, आशाओं का है तू, यीशु मसीह तू हमारे सब, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो सर को उसके सामने झुकाएंगे, उसको बोलेंगे बड़े मैं कटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे yeah।
परेशानियां चल रही है, हम जानते हैं आपकी योजना, आपकी इच्छा हमारे जीवन में बहुत बड़ी है परमेश्वर। परमेश्वर होने दे आज के दिन परमेश्वर, जब हम आपकी हजूरी में बैठे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने वाले हो पाए। आपकी जो बुलाहट है, आपने जो हमें परमेश्वर बुलाहट दी है, उसके अनुसार चलने वाले हो पाए। दुनिया से परमेश्वर पीछे हटकर, दुनिया की बातों से पीछे हटकर परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपके उस निशानी की ओर दौड़ने के लिए हमें तैयार करें परमेश्वर। इन आखिरी समयों में परमेश्वर, जब परमेश्वर बहुत सारी दुनिया इस संसार को छोड़ के चले गई, आपने हमें जिंदा रखे परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं आपकी योजना, इसीलिए आपने हमें यहाँ रखा है परमेश्वर, और उस योजना को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर तैयार करें। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आगे के वचन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमसे बात करे और परमेश्वर लोगों से बात करे। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बात के लिए। मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, व्हाट अ जॉय टू कम टुगेदर अगेन दिस संडे मॉर्निंग टू हियर गॉड्स वर्ड। कलीसिया, आप सबको जय मसीह की, और कितनी ही आनंद की बात है हम फिर से इकट्ठा हुआ है प्रभु का वचन सुनने के लिए। आई बिलीव ईच वन ऑफ यू हैव अ ब्लेस्ड वीक एंड यू आर ऑल हेल्थी एंड सेफ। मैं आशा करता हूँ अब सब लोगों का बीता हुआ हफ्ता आशीष में था और अब सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक है। I pray that as you listen to the word of God this morning, मैं आशा करता हूँ और मेरी प्रार्थना ये है कि आज की सुबह जब प्रभु के वचन को आप सुनते हैं, let the message sink into your heart, ये वचन आपके मन के अंदर बैठ जाए, that you would make a new decision and a commitment with God, कि आज आप परमेश्वर के साथ के चाल चलन में आप एक नया निर्णय लेंगे और उसके साथ चलेंगे। The topic for my message this morning is life's ambition. आज मेरे मैसेज का शीर्षक ये है हमारे जीवन की अभिलाषा। कहने का अर्थ है हमारे जीवन का सपना क्या है। We all have ambitions in life. हम सबके जीवन में कोई ना कोई अभिलाषा है। I want to become this. मैं ये बनना चाहता। I want to do this. मैं ऐसा बनना करना चाहता। I want to climb Mount Everest. और मैं जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी में तक मैं चढ़ना चाहता। Different ambitions we all have. अलग अलग अभिलाषाएं हम सबके जीवन में है। Ask the younger generation today. आज के नौजवानी के पीढ़ियों को पूछे। Someone wants to be a professor. कोई प्रोफेसर बनना चाहता है। Someone wants to be an engineer. कोई इंजीनियर बनना चाहता है। It's all good. ये अच्छी बात है। It's all wonderful. ये बहुत ही अच्छी बात। There's nothing wrong in having those ambitions in life. कोई भी गलत बात नहीं अगर ये बातों को अपने जीवन में अभिलाषा करके रखे। But along with all of that, लेकिन इन सब के साथ साथ, God created you for a purpose. परमेश्वर ने आप सबको एक उद्देश्य के तहत रचा है। Please listen very carefully. Give your undivided attention this morning. मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल बारीकी से अपने ध्यान को आगे पीछे ना भटकाते हुए इस वचन को सुने। Please listen carefully. बड़े ध्यान से सुने। Ambition is not bad.
अभिलाषा रखना बुरी बात नहीं है. अभिलाषा अच्छी बात है. But listen to this. लेकिन ध्यान से सुने. God created you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है. And after he created, he sent us to the world with a purpose. और परमेश्वर ने आपको और मुझे रचने के बाद इस संसार में एक उद्देश्य के तहत भेजा है. And the question is, are we fulfilling that purpose? आज सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं या नहीं? Is that ambition of the Lord being fulfilled in my life? क्या परमेश्वर की अभिलाषा जो मेरे लिए है, क्या वो परमेश्वर की अभिलाषा मेरे जीवन में पूरी हो रही है या नहीं? God has a purpose for you and for me. परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके और मेरे लिए. Number one. पहली बात. The ambition that you and I need to have in our daily walk with God. हमारे दिन प्रतिदिन के चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के साथ जो अभिलाषा हमें रखनी है. Is Joshua 24 and verse 15. वो यहोशू 24 उसके 15 आयत में लिखा है. Listen very carefully what it says there. बड़े ध्यान से सुने कि प्रभु का वचन क्या कहता है. I believe you open your Bibles. If not, please note down and then go back and read it by yourself. मैं आशा करता हूँ आप लोगों के पास बाइबल होगा. अगर होगा तो खोल ले, नहीं है तो इन आयतों को लिख ले और बाद में इन आयतों को वचन में से पढ़े. Joshua 24:15. यहोशू 24 का 15. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपना घराना समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा. I want to draw your attention to the last line of that verse. मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ इस आयत के अंतिम भाग में. But for me and my family, we will serve the Lord. परंतु मैं और मेरा घराना और परिवार यहोवा की सेवा नित्य करेगा. My brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, you may say this morning to me, आज की सुबह आप मुझसे बोलोगे, I have not been called to serve God. मुझे परमेश्वर की सेवा करने की बुलाहट नहीं मिली है. What is the service that I can do? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? My brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, it's not necessary preaching. अरे प्रचार करना ही सेवा नहीं है. To serve God doesn't mean you have to be a pastor. सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको पादरी बनना पड़ेगा. Serving God doesn't mean that you have to be a worship leader. सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आराधना चलाने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा. Serving God does not mean that you leave your home and family and then go to a village and become a missionary or an evangelist. और सेवा करने का यही मतलब नहीं है कि आपको घर परिवार छोड़कर एक गांव में एक शहर में जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार करना होगा. I mean, but if God calls you for that, please go, please do it. जरूरन अगर परमेश्वर आपको इन सब बातों की बुलाहट देता है, जरूरन उस बात को पूरा करे. If you're not called by God for that, अगर परमेश्वर की बुलाहट आपको इन बातों के लिए नहीं है तो you and I can still serve God. हम फिर भी परमेश्वर यहोवा की सेवा कर सकते. हाँ. कैसे? Number one. पहली बात, hospitality. वो है एक दूसरे का हम लोग मेहमान नवाजी करना. It's so easy to do that. और ये कितना ही आसान है करना. Some people are gifted in hospitality. कुछ लोगों को परमेश्वर ने वरदान दिया है दूसरों की मेहमान नवाजी करना. Someone comes to your home. कोई आपके घर में आता है. And you ask them to drink. और आप उनको कुछ पीने के लिए बोलते हैं. You serve them. आप उनकी सेवा करते हैं. Maybe in the church. शायद से कलीसिया में. Maybe in some other family. शायद से आप किसी घर परिवार में जब आप जाते हो. Some people are gifted in hospitality. कुछ लोगों को परमेश्वर ने मेहमान नवाजी का वरदान दिया है. Some other people have a gifting of encouragement. कुछ लोगों को वरदान दिया है दूसरों को प्रोत्साहित करना. You can encourage others. आप दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं. I need encouragement. मुझे प्रोत्साहन की जरूरत Someone है. Come and encourage me. कोई हो जो मेरे साथ खड़े होकर मेरा प्रोत्साहन करे. Doesn't have to be a pastor. और ये पासवान होने की जरूरत नहीं. Doesn't have to be preacher. और ये जरूरी नहीं कि ये बहुत बड़ा प्रचारक हो. You may be an ordinary person. आप एक
साधारण मनुष्य होंगे। But you can come and encourage me. आप जरूर आके मेरा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। So many people need encouragement. बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत है। That's another way to serve God. अरे ये एक और तरीका है हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। Another way of serving God. एक और तरीका प्रभु यीशु की सेवा करना। Is maybe looking out for the needs of others. वो होगा कि हम दूसरों की जरूरतों का देखरेख करें। It's so important. और ये कितना जरूरी है। Many times we see people in need. हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी न किसी जरूरत में हैं। And we turn our face away. और हम अपने मुंह को मोड़ लेते हैं। My brother, my dear sister. मेरे प्रिय भाइयों बहनों। You can serve God in numerous ways. आप बहुत ही ऐसे अनेक बातों से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। These are only few examples that I gave. ये तो मैंने सिर्फ चंद और कुछ उदाहरण दिए। I want to ask you. मैं आपसे पूछना चाहूंगा। Are you serving God? क्या प्रभु की सेवा कर रहे हैं? By being a hospitable person. मेहमान नवाजी करने के द्वारा। By being a loving and a caring person. दूसरों को प्रेम करते हुए, दूसरों की चिंता करते हुए। By seeing to the needs of others, are you helping them out? दूसरों की जरूरतों को देखकर उनकी सहायता करने की सेवा कर रहे हैं। Another way of serving God. एक और तरीका सेवा करने का। It's maybe just loving on people. शायद से ये होगा कि हम लोगों को प्रेम करें। People need love. लोगों को प्रेम की जरूरत है। My brother, my dear sister. मेरे प्रिय भाइयों। This morning I want to encourage you. आज की सुबह मैं आपका प्रोत्साहित करूंगा। Don't live for yourself. अपने खुद के लिए ना जिए। Don't be selfish. और खुद गर्ज ना बने। Don't be just self-centered. और अपने आप के बारे में खुद ही को लेकर ना बैठे। God created me with a purpose. परमेश्वर ने मुझे उद्देश्य के तहत रचा। And am I fulfilling that purpose? क्या मैं उस उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ? And how is that? वो कैसे है? Make this an ambition of your life. आपके जीवन की अभिलाषा बना ले। In all your work, कि अपने पूरे काम में, job, आपके नौकरी में, all responsibilities, सारी जिम्मेवारियों के बीच में, job and business and money making, आपके काम करने के तरीके में, पैसा कमाने के समय पे, I find time to serve God. कि मैं समय निकालूंगा परमेश्वर यहोवा की सेवा करने में। Maybe out in the street. शायद से बाहर सड़क में जाकर। Maybe in the slums. शायद से झुग्गी झोपड़ियों में जाकर। Maybe in the hospital. अस्पताल में जाकर। Be the person God wants you to be. वो मनुष्य और व्यक्ति बने जो परमेश्वर चाहते आपसे। Number one. पहली बात। Make life's ambition. आपके जीवन की अभिलाषा बनाए। Serve God. परमेश्वर की सेवा करने में। Number two. दूसरी बात। What could be your life's ambition? आपके जीवन की अभिलाषा क्या हो सकती है? Matthew chapter 6. और देखिए हम लोग मत्ती उसकी 6 अध्याय को देखेंगे। And verse 33. और हम लोग देखेंगे उसकी 33 आयत। Matthew chapter 6. मत्ती 6. And verse 33. और उसकी 33वीं आयत। See what it says there. वहां पर ऐसा लिखता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लाइफ एम्बिशन, हमारी जीवन की अभिलाषा, इज टू बिकम रिच, कि वो हम अमीर बने, टू मेक मोर मनी, ज्यादा पैसा कमाए, और बिग जॉब, बिजनेस, नेम एंड फेम, बहुत बड़ी नौकरी, मेरा व्यवसाय हो जाए, मेरा बड़ा नाम हो जाए। बट आई टोल्ड यू, जो मैंने बुलाया, लाइफ एम्बिशन शुड बी आल्सो सर्विंग गॉड। मैंने बोला परमेश्वर की हमारे जीवन की अभिलाषा परमेश्वर की सेवा होनी चाहिए। नाउ हैविंग नेम, फेम, पोजीशन, मनी, इट्स नॉट रॉन्ग। हमारा नाम होना, पैसा होना, शोहरत होना, ये गलत बात नहीं। बट दिस कुड बी द सेकंड वे ऑफ अटेनिंग ऑल ऑफ दैट। और ये दूसरा तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम इन सब चीजों को पा सकते हैं। हाउ? कैसे? सी व्हाट इट सेज देयर। वहां पर लिखता है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटसनेस, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, एंड ऑल दीस थिंग्स, और ये सब वस्तुएं। Which things? क्या वस्तुएं? Name, नाम, fame, शोहरत, position, आपकी पदवी, money, पैसा, home, घर, cars, गाड़ी, everything, ये सब चीजें, promotion, हमारी उन्नति, your heart's desires, आपके जीवन की अभिलाषाएं, he will grant unto you, आपके आपको वो दे देगा। How? कैसे? See
His kingdom and His righteousness. उसके राज्य और धर्म की खोज करें तो many people today, बहुत सारे लोग, I'm talking to Christians, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, I'm talking to believers, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, I'm talking to people, old time believers, मैं उन विश्वासियों की बात कर रहा हूँ जो सालों साल से विश्वास करते हैं, who are today running after money, जो आज सिर्फ अपने जीवन को पैसे के पीछे ही चला रहे हैं, are only wanting how I can get a name and fame, और जो सिर्फ भाग दौड़ में लगे कि मेरा नाम कैसे बने, मेरी शोहरत कैसे बने, how can I have a double story building and cars, और सोच रहे हैं कि मेरा कैसा दो मंजिला मकान और कैसे मैं गाड़ियों को खरीद सकूं। दोस्तों मैंने बोला ये सब होना गलत बात नहीं, बट हाउ यू डू इट, लेकिन ये सब कैसे मिले, हाउ यू रिसीव इट, ये कैसे हम पा सकते हैं, इस किंगडम एंड इस righteousness, उसके राज्य और धर्म की खोज करें तो, and all these things shall be added unto, और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, my brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाइयों बहन, make this your life's ambition, ये आपके जीवन की अभिलाषा बना ले, number two, दूसरी बात, to seek his kingdom and his righteousness, कि हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में लगे रहें, seek God's kingdom, परमेश्वर के राज्य को खोजे, and when you go after the Lord, और जब आप प्रभु के पीछे चले, when you seek the Lord, जब आप प्रभु को खोजे, he will grant the desires of your heart, वो आपके दिल की मनोकामनाओं को पूरा करेगा, your life's ambition, आपके जीवन की अभिलाषा, should be seeking God, परमेश्वर को खोजना, I heard someone say this the other day. किसी ने पिछले बार ऐसा बोलते हुए मैंने सुना. There was a time, एक समय था, when I was running after the world, मैं दुनिया के पीछे दौड़ता था. I was running after work and job and money, and the world was running away from me. और मैं नाम, शोहरत और नौकरी और पैसे के पीछे भागता था और दुनिया मुझसे दूर भागती थी. Today, आज, I'm running after the Lord. मैं यीशु के पीछे भागता, I'm running after him. यीशु के पीछे दौड़ता हूँ, and these things are running after me. और दुनिया मेरे पीछे दौड़ती, stop, stop. अरे रुक जा, you want a job? अरे तुझे नौकरी चाहिए, हम तुझे देंगे, you want money? तुझे पैसा चाहिए, we'll give you money. हम तुझे देंगे, what position? तुझे पदवी चाहिए, we will give you position. हम तुझे पदवी देंगे. Was a time, एक समय था, when I ran after the world, जब मैं दुनिया के पीछे दौड़ता, the world ran away from me, दुनिया मुझसे दूर दौड़ती, today I'm running after God, आज मैं यीशु के पीछे दौड़ता, the author and finisher of my life, और जो यीशु मेरे जीवन का कर्ता था, today the world is running after, आज ये दुनिया मेरे पीछे दौड़ती, my brother, my sister, मेरे प्रिय भाइयों, especially I'm talking to young people, मैं नौजवानों से बोलता, many of you young who are listening and hearing, जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, प्रभु को ढूंढे, सीखा प्रभु को खोजे, run after God, उसके पीछे दौड़े, seek his kingdom, उसके राज्य को खोजे, all these things shall be added, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, life's ambition, जीवन की अभिलाषा, number one, पहली बात, serve God, परमेश्वर की सेवा करें, make that your ambition, ये आपके जीवन की अभिलाषा होनी, number two, दूसरी बात, life's ambition, पर हमारी जीवन की अभिलाषा, seek God's kingdom, हम परमेश्वर के राज्य की खोजी बने, हियर इज द थर्ड एंड द लास्ट थिंग, तीसरा आखिरी बात, हियर इज व्हाट आई वांट टू से, मैं कहना चाहूं, जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना उसकी 4 अध्याय, एंड वर्स 34, और उसकी 34 आयत, एंड यू ऑल कैन टर्न देयर, आप वहां पर खोल सकते हैं, जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना 4, एंड वर्स 34, और 34 आयत, व्हाट डज इट से देयर, वहां पर लिखता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे भोजन ये है कि अपने बेचने वालों की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। This is what Jesus is saying. यही यीशु कहता है। My food is this. मेरा भोजन ये है। Jesus said to the disciples. यीशु ने अपने चेलों को बोला। This is my food. ये मेरा भोजन है। To do the will of him who sent me. कि अपने बेचने वालों की वाले की इच्छा को मैं पूरा करूं। And to finish his work. और उसके अनुसार चलो ताकि उसका काम मैं पूरा कर सकूं। ये कौन कहता है? Jesus himself. यीशु खुद कह रहे हैं। My life's ambition. मेरे जीवन की अभिलाषा। My life's ambition. मेरे Jesus is saying. जीवन की अभिलाषा। To do the will of the Father. कि मैं पिता
पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। मैं पिता की इच्छा को पूरा कर सकूं। इसलिए मुझे भेजा गया है। My dear brother, my dear sister, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। Whose will are you fulfilling today? आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? Whose will are you doing? आप किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? Your parents have a will. आपके माता पिता की इच्छा है। You have a will. आपके खुद की इच्छा है। You have a will of your, maybe your boss. आपके नौकरी में काम करने के आपके बॉस की इच्छा है। You have a will of your seniors. आपके सीनियर्स की इच्छा है। It's good. Do that. अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करें। But in your life journey, लेकिन आपके जीवन के यात्रा में, in your life journey, आपके जीवन की यात्रा में, are you fulfilling the will of God? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? Are you doing the Father's will? क्या आप पिता की इच्छा पूरी करते हैं? I have two children at home. मेरे दो बच्चे हैं घर। My son Andrew. मेरा बेटा एंड्रू। He's 30 years old. और वो 30 साल का है। My daughter Christina. मेरी बेटी क्रिस्टीना। She's today 25. वो 25 साल की है। There are no more children. वो बच्चे नहीं रहे। Grown up adults. वो और बड़े नौजवान हो चुके। They stay in my home. वो मेरे घर पर रहते हैं। They are blessed with everything that I can provide for them. जो कुछ मैं उनको दे सकता हूँ, उन सबसे परमेश्वर उनको आशीषित किया। But even though they stay in my house, वो मेरे घर में तो रहते हैं। They, I have provided them shelter. और मैंने अपने घर पर उनको पनाह दी है। Given them all that they need. जो कुछ उनको चाहिए मैंने उनको दिया। Every day of their life. हर दिन उनके जीवन का। You know why they stay in my home? क्यों वो मेरे घर पे रहते हैं? You know why they stay in my house? क्यों मेरे घर पे रहते हैं? Because they love me. क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। And they enjoy to do my will. और वो आनंदित होते हैं कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा कर सके। Many times they don't agree. और बड़े बार जो कुछ मैं बोलता हूँ, बड़े बार उन लोगों को ठीक नहीं लगता। Many times they do not like or even agree to what I say. उनको अच्छा नहीं लगता या वो मेरे साथ सहमत नहीं होते जो बात मैंने बोली है। But they still listen. लेकिन वो फिर भी सुनते हैं। They still obey. और वो आज्ञा पालन करते हैं। Because they are happy. क्योंकि वो खुश है। To make my will fulfill. कि मैं जो पिता होने के नाते उनको कहता हूँ, मेरी इच्छा को वो पूरा कर सके। My brother, my sister, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, This should be your and my ambition. यही आपके और मेरी अभिलाषा होनी चाहिए। If as parents we desire to do the will of our father and mother earth. और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे माँ बाप होने के नाते हमारी इच्छा को पूरा करें, Then how much more should we fulfill the will of the father. और कितना ही ज्यादा हम उस स्वर्गीय पिता की संतान होने के नाते उसकी इच्छा को पूरा करें। Why? क्यों? Because of fear. डर के कारण क्या? Because of compulsion. क्योंकि जबरदस्ती इसलिए? No. नहीं. Because I desire to do your will, O God. क्योंकि मैं इच्छा करता हूँ प्रभु कि मैं तेरे जीवन की इच्छा को पूरी कर। I rejoice in doing the will of the Father. मैं आनंदित होता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने के। Or to simplify that and say, अगर सरल शब्दों में कहूँ, I like to do the will of my Father. मैं आनंदित और प्रसन्नित होता हूँ कि मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करूँ। One step further. एक और कदम आगे बढ़ाऊँ। This is my ambition to do the will of my Father. ये मेरे जीवन की अभिलाषा है कि मैं मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करूं। Three things I told you today, this morning. आज की सुबह तीन बातों को मैंने बताया। As a child of God. परमेश्वर की संतान होने के नाते। As a believer. और एक विश्वासी होने के नाते। How many years? कितने साल? Maybe 2 months. शायद से 2 महीने. Maybe 2 years. 2 साल. Maybe 20, 25, 30, 40, 50 years, you have been a child of God. शायद से 20, 25, 30, 35, 50 सालों से विश्वासी कहते हैं। Can I honestly ask you a question? या मैं आपसे एक खरेपन का सवाल पूछूं? Has this been your life's ambition? क्या ये आपके जीवन की अभिलाषा रही है? To serve my heavenly Father. कि हम अपने स्वर्गीय पिता की सेवा करें? To seek His kingdom. कि हम उसके स्वर्ग राज्य की खोजी बने रहें? And the third and the last thing is to do the will of my Father.
तीसरे आखिरी बात कि हम अपने स्वर्ग के पिता की इच्छा My brother, my sister, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, When you do that, जब आप ऐसा करो This is the promise of God, और यही परमेश्वर का वायदा है He will grant the desires of God. वो आपके दिल की मनोकामनाओं को पूरा करेगा He will fulfill your dreams. वो आपके सपनों को पूरा करेगा As you stay obedient to the word of God. जब आप प्रभु के वचन के आज्ञाकारी बनते रहोगे Because you have made your life's ambition. क्योंकि आपने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है To serve him. कि उसकी सेवा करो To seek God's kingdom. परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की खोजी बनो And to do his will. और उसकी इच्छा को पूरा करो Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? We all close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें Let's pray. प्रार्थना करें Gracious Lord, my loving heavenly Father. अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी. I thank you for your awesome presence this morning. धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह आपके अद्भुत उपस्थिति. Thank you, you're a great and a loving God. धन्यवाद करता हूँ आप महान और पराक्रमी You created us in your own image, O Lord. आपने हमें अपने ही स्वरूप में रचा है. And we are your creation. और हम आपकी सृष्टि है. Father, for too long and many times we've lived for our own self. परमेश्वर बड़े बार हमने अपने आप की खुदी के लिए ही जीवन जिया. It was all about me. ये सिर्फ मेरे बारे में था. It was all about my family. मेरे परिवार के बारे में. It was all mostly about my business, my job, my promotion. मेरे व्यवसाय, मेरे नौकरी, मेरी उन्नति के बारे में. It was mostly about how I can make more money and how I can. और ये सिर्फ इसी में आधारित था कि मैं ज्यादा पैसा कैसा कमाऊं और मैं कैसे और ज्यादा बड़ा बन सकूं Forgive us, Lord. प्रभु माफ करें Forgive us, God. हमें माफ करें For many times, क्योंकि बड़े बार We forgot you. हमने आपको भूल चुके We should have thought about you, God. हमें आपके बारे में सोचना We should have taken to consideration That we are your creation. हमें ये समझना और सोचना था कि हम प्रभु आपकी सृष्टि है you created us with a purpose. प्रभु आपने एक उद्देश्य के तहत हमें रचा है Father, this morning, प्रभु आज की सुबह I pray for each of my brother and sister who are listening to me online. मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन मुझे ऑनलाइन आज सुन रहे देख रहे Father, I pray that if any one of them Today are hearing who have not set their priorities. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अगर आज इनमें से किसी ने भी अपनी प्राथमिकताओं को अगर ठीक नहीं किया My heavenly Father, I pray. मेरे स्वर्गीय पिता मैं प्रार्थना करता हूँ That today will be a turning point in their life. आज उनके जीवन में एक मोड़ने का और बदलने का समय That they will make a commitment and a decision. और ताकि वो प्रभु तेरे सामने आज एक निर्णय ले That they will keep you as the first place in their life. कि वो अपने जीवन में तुझे प्राथमिक स्थान देकर रखेंगे. Their life's ambition will be only one thing. उनके जीवन का उद्देश्य एक ही चीज होगा. That they will serve you. कि वो तेरी सेवा करेंगे. They will seek your kingdom. वो तेरे स्वर्ग राज्य के खोजी बनेंगे. And they will do your will, O God. कि वो तेरी इच्छा को पूरी करेंगे. Everything else would be secondary. सब कुछ बाकी सब कुछ. Everything else will be after that. उसके बाद बाकी सब कुछ देखा जाएगा when they do that, जब ये ऐसा करेंगे and when they walk according, और जब इस अनुसार ये चलेंगे they will be blessed. वो आशीषित होंगे Everything they put their hands to will be blessed. जो कुछ वो करेंगे जिसमें हाथ डालेंगे वो आशीषित होगा Father, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी मदद करें to be obedient to your word. कि वो तेरे वचन के आज्ञाकारी बने thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए Bless each of my brothers and sisters. जितने भी मेरे भाई बहन इन सबको Bless them in their homes and families. उनके घर परिवारों में आशीषित करें Health and strength I speak over them. इनके ऊपर प्रभु तेरी सामर्थ और तेरी स्वास्थ्य बोलता हूँ And I speak for your protection on each one of their lives. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी सुरक्षा इन सबके जीवन Cover them under the blood of the Lamb. और प्रभु तेरे लहू की सुरक्षा में इनको ढाम कर Grant the desires of their heart. इनके दिल की मनोकामनाओं को पूरी कर They walk in holiness and righteousness all the days of their life. पवित्रता और रास्तबाजी में अपने जीवन के अंत तक तेरे साथ चलने वाले Because with such people are you pleased, O God. क्योंकि ऐसे ही लोगों के साथ आप प्रसन्नित होते Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए.
Jesus was precious and holy. यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं. Amen and amen. आमीन और आमीन. Church, God bless you. कलीसिया प्रभु आपको आशीष देता है. I love you very much. मैं आपको मैं प्रेम करता हूँ. And you know you are all mostly in my prayer. और आप सब जानते हैं कि आप सब लोगों के लिए मैं नित्य निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ. I bless you all in the name of Jesus. यीशु के नाम से मैं आशीषित करता हूँ. May the favor and the grace of the Lord rest upon you. परमेश्वर का अनुग्रह और फेवर आपके ऊपर बनी रहे. And I receive it back from you in the name. और आप से भी मैं इन चीजों की अपेक्षा करता हूँ यीशु के नाम से. Thank you and God bless. धन्यवाद प्रभु आपको आशीषित करे जय मसीह की. God bless you.